उनकी बाजू में इस कार साल मैंने सीखा, जब भी कोई सामने वाला देख कम से पहले बात करता था इस कार साला से पहले, तो मैं भी जैसे वो बोलता था तो मैं भी तुरंत ही जवाब दे देता था, जिससे वो शांति मार्ग भंग हो जाती थी और मैं बेचैन रहता था। लेकिन इस कार साला के बाद शिक्षा लेने के बाद मैं पहले उसकी बातें सुनता हूँ, उसके बाद सोच समझ कर उसका जवाब देता हूँ। नहीं अगर देखता हूँ, अगर नहीं समझ पाता हूँ तो उस बात को आज खत्म करके अपना चला जाता हूँ। इस कारण से कार्यशाला से मुझे ये लगा कि ज्ञान इसमें हमको संबंधों का सुधार, अगर हम दुखी सुखी होते हैं तो छोटी मोटी बातों से भी दुखी सुखी हो जाते हैं। तो इसलिए सर मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। बहुत अच्छा वो इन्होंने अपना जाहिर किया, तुरंत नहीं देना चाहिए, अगले आदमी की भी बात सुन लीजिए, हो सकता है शुरुआत में वो कुछ खराब कह रहा हो, आगे चल करके उसकी बात अच्छी बात में समाप्त हो जाए। तो जो इन्होंने कहा कि पहले मैं सुन लेता हूँ धैर्य के साथ, ये अगर इन्होंने सीख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ये जो इन्होंने कहा कि प्रतिक्रिया तुरंत नहीं देता हूँ, अगला आदमी कुछ कह रहा है तो उसकी बात पहले धैर्य से सुन, बैठ जाओ, धैर्य से सुन लेता हूँ, उसके बाद जो कुछ मुझे कहना होता है कहता हूँ। तो बिना किसी की पूरी बात सुने हुए आप उसको उसके बारे में मूल्यांकन नहीं कर सकते कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्या वो बात है। हो सकता है शुरू में कुछ कड़वी बात हो और बाद में कुछ अच्छी बात भी उसमें नहीं हो, और कड़वी बात भी हमेशा खराब नहीं होती, कड़वी बात में ही जो हित की बात है वो अंदर उसके छुपी हुई है। कहा जाता है कि हितम मनोहार इसको गम बचाए, जो बातचीत है जो हितकारी हो, कल्याणकारी हो और सुनने में भी मीठी लगे, ऐसा बड़ा दुर्लभ होता है कि बात कोई मीठी बोले और कल्याण की बात हो। तो मीठी बात आमतौर पर सुनने में अच्छी नहीं लगती, तो दूसरे की बात सुन करके तब प्रतिक्रिया देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, अगले व्यक्ति को बोले और जो कुछ भी आपने सीखा है बिल्कुल खुल करके बोलिए, जो जो मन में है, जो भाव आए हैं, जो आपने अनुभव किया है 15 दिन में, जो सीखा है उसको बिल्कुल बिना संकोच के और खुल करके। अभी आप